नमस्ते इंडिया के दर्शकों को वीरेंद्र मिश्र का नमस्कार। माना जाता है कि अन्न ब्रह्म है, वेद में भी कहा गया है अन्नम ब्रह्मम, और जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा ही हमारे बनेगा जीवन। तो अन्न और जीवन का कैसा संबंध है, ये अपनी तरह की एक संस्कृति है, और भारतीय संस्कृति में अन्न यानी भोजन, भोजन की अपनी महत्ता है। उस महत्ता को जानने परखने के लिए भारतीय व्यंजनों का स्वाद हमें चखना होगा, और आज दुनिया के अधिकांश मुल्कों तक भारतीय व्यंजन लोकप्रिय है, उसने अपनी पहचान बढ़ाई है। किसी भी तीज त्यौहार की शुरुआत अगर होती है तो उसमें पकवान सामने आते हैं, साथ ही साथ सूप है या फिर सलाद सामने होता है। आज हम बात करेंगे भारतीय व्यंजनों के बेताज बादशाह देवेंद्र कुमार से, जो एक शेफ है और भारतीय व्यंजन को दुनिया के अधिकांश मुल्कों तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। और अभी अभी उन्होंने सलाद और सूप यानी कच्चा और पक्का दोनों के खाने के स्वाद और सेहत के साथ जोड़ करके किताबें भी प्रस्तुत की हैं। देवेंद्र कुमार जी, नमस्ते इंडिया के दर्शकों की ओर से आपको आपके इस कृतियों के लिए, सलाद और सूप के लिए बहुत बहुत बधाई है। भारतीय तीज त्यौहार हो या कोई भी परंपरा का अवसर आवे या उत्सव का अवसर आए, वहाँ पर बिना इसके कुछ भी नहीं चलता, आप क्या कहोगे? हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसमें इतने ज़्यादा तरीके के व्यंजन हैं। मैं नहीं समझता कि आज अगर पूरी यूरोपियन कंट्री को भी इकट्ठा कर लिया जाए तो जो व्यंजन हमारे देश में है वो कहीं भी नहीं मिलेगा। और एक एक व्यंजन, एक एक क्विजीन का अपने लुत्फ है, अपनी इसकी हिस्ट्री है, अपने ही इसका फ्लेवर है। आज जो मैंने ये किताब लिखी है, हालांकि हिंदुस्तान में इतने व्यंजन हैं और सलाद और सूप की अपनी महत्वता है। कोई भी, मैं समझता हूँ कि पहले मिथ ये हुआ करती थी कि सूप और सलाद जो है सिर्फ अंग्रेजी खानों में होता है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी खानों में भी आज सलाद और सूप का महत्व आ गया है, इसकी प्रेजेंस आ गई है। क्योंकि क्या है कि इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी हो रही है, इतनी ज़्यादा इनोवेशन हो रही है हिंदुस्तानी खाने में भी। आज हिंदुस्तानी खाना पूरे वर्ल्ड में व्यंजन आज पॉपुलर हो गया है, इसके जायके के लिए, इसकी वैरायटी के लिए, इसके टेस्ट के लिए, और बहुत बहुत विविधता है। मैं कहता हूँ हिंदुस्तानी खाने को एक्सप्लोर किया जाए तो कोई अंत ही नहीं है। आपको पता है कि आजकल लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, अपनी सेहत के बारे में लोगों में बहुत परिवर्तन आ गया है, लोग जागरूक हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने ये जान लिया कि खाना एक इंटीग्रल पार्ट है हमारी लाइफस्टाइल का। क्योंकि सिर्फ खाना ही नहीं, खाना एक बहुत रोल अदा करता है हमारे, एक व्यंजन जो है, क्योंकि सेहत के लिए और वैसे भी लाइफ में। मैं आपको कई सूप हिंदुस्तानी जायके मसालों से मिलेगी, इस तरीके सलाद भी जो है, क्योंकि इतने हमारे भारत में इतनी स्टेट्स हैं, हर स्टेट में अपनी क्यूजीन है, हर स्टेट में अपना व्यंजन है, उसी मसालों से लेके आज मैंने ये किताबों में हिंदुस्तानी रेसिपी ली है। बहुत सिंपल रेसिपी है, बड़े बेहतरीन तरीके से इनको प्रेजेंट किया गया। आप, ये माना जाता है कि माँ के हाथों का बना हुआ खाना अगर मिल जाए तो उसके स्वाद का कहना ही क्या है। तो देवेंद्र जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो माँ अन्नपूर्णा की कल्पना की गई है, और आप एक पुरुष होकर के आपने व्यंजन को जिस तरह से बनाने का ये पाक विद्या जो आपने हासिल की है, क्या आपको याद आता है ये कहाँ से शुरुआत की है आपने? देखो, शुरुआत तो आज मुझे 40 साल हो गए इस लाइन में, और इंस्पिरेशन तो माँ से मिली, माँ को देखा खाना बनाते हुए। क्योंकि जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो खाना माँ बनाती है उसका अपने लुत्फ होता है, उसको पता है कि मैं अपने बच्चे के लिए बना रही हूँ, उसके लिए बच्चे से ज़्यादा बेहतर नहीं है। और जो अपना प्यार वो दिल से दे देती है खाने में, उसी का ज़्यादा अफेक्ट है, इसलिए ये खाना इतना बेहतर होता है। क्यों, मैं समझता हूँ कि खाना कोई भी हो, इसको धैर्य से बनाया जाए, यानी इसमें भावना की हवी दे दी जाए, और भावना से जोड़कर प्रेजेंट किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, तो भोजन का स्वाद ही कहीं बढ़ जाता है और शरीर में अंग प्रत्यंग में वो लगता भी है। बिल्कुल ही बात है, क्योंकि क्या है कि एटीट्यूड जिसको बोलते हैं, बहुत ज़रूरी है। आज एक बंदे खाना बनाता है मगर मन ठीक नहीं है,
दिमाग ठीक नहीं है, आत्मा ठीक नहीं है, खुशी नहीं है, तो कैसे वो खुशी कैसे, उसमें खुश नहीं है तो कैसे खाना अच्छा बनाएगा। ये बहुत बहुत मायने रखता है कि इंसान का स्वभाव, तो वो इसलिए माँ का खाना इसलिए है कि क्योंकि वो जो दिल से बनाती है, ट्रू फ्रॉम हर हार्ट, इसलिए खाना। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी खाना आप बनाइए, उसमें अपना दिल से बनाइए। मैं अपने दर्शकों से, अपने यंग जितने भी फेलो शेफ्स हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप खाना बनाएं, दिल से बनाएं, प्यार दें उसमें, अपनी वो जो वाइब्रेशन है हाथ की वो ज़रूर जानी चाहिए, खाना अपने आप बढ़िया बन जाएगा। हमारे यहाँ भारत की धरती में तीज त्योहारों का होता है विशेष महत्व है, उसमें पकवान बनाए जाते हैं, उन पकवानों के निर्माण में भी भावना की हवी दी जाती है, और माँ जब जुट के केंद्र में रह करके खाना पकाती है तो उसका स्वाद अलग ही तरह का होता है। और आज के ज़माने में समय की कमी के अनुसार जो समय निकाल करके जो भोजन मिलता है, आप जैसे पाक विद्या में दक्ष लोगों का, तो वो किस तरह से काम कर सकता है तीज त्योहारों में? जब आप खाना किसी त्यौहार के लिए बनाएं, क्योंकि एक हमारे ही देश है जहाँ जिसको कल्चर बोलते हैं, रिलीजन बोलते हैं, खाने में बहुत महत्व देता है। आज हमारी खाने की हिस्ट्री जो है वो बहुत इन्फ्लुएंस है खाना जो हमारा, हिस्ट्री के कारण, कल्चर के कारण, रिलीजन के कारण। मैं समझता हूँ जैसे कहते हैं ना कि फूड इज़ डिवाइन, राइट। खाने को पूरी महत्वता देनी चाहिए, खाने को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि खाना जो आजकल नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाए, ये मैं ज़रूर है मेरा ये आजकल बहुत इम्पोर्टेंस मैं देता हूँ कि खाना नेचुरल प्रोडक्ट से बनाया जाए, और वो जो उसके तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो नहीं जाने चाहिए। एक बात और बड़ा सवाल है कि आजकल की नई उम्र की जो लड़कियां हैं खाना बनाने से कतराती हैं, भोजन बनाने से भागती हैं, और जबकि किचन में घर की रसोई जितनी अच्छी होगी, जितनी साफ़ सुथरी होगी, और जितने प्यार से भोजन बनेगा उसके हाथों का, तो पूरा घर स्वस्थ रहेगा। आप इसके बारे में उन यूथ को, उन नई युवा के, वो लड़कियों के लिए आप क्या कहोगे? मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब तक आप किसी चीज़ के जुनून नहीं पैदा करेंगे, पैशन नहीं करेंगे, आप कुछ भी बना नहीं सकते। कोई भी आप काम करें, मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से चाहे आप कितने भी बिजी हैं, आई नो आज का लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, बड़ी हेक्टिक लाइफस्टाइल है, पर मैं कहूँगा कि खाने के मामले में ज़रूर पैशनेट होइए, ज़रूर थोड़ा वक्त निकालिए, क्योंकि फूड इज़ लाइफ, फूड इज़ डिवाइन, क्योंकि खाना एक लाइफ का बड़ा इंटेग्रल पार्ट है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें ज़रूर इंटरेस्ट लीजिए, स्पेशली गर्ल जो स्कूल वगैरह पास आउट करने के बाद ज़रूर थोड़ा समय लेकर के रेसिपीज वगैरह ट्राई करो, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स फॉर यू, इट्स फॉर योर फैमिली। तो मैं ये चाहूँगा कि वन शुड बी पैशनेट अबाउट कुकिंग, कुकिंग चाहे आप चाहे हॉबी समझिए, ज़रूर क्रिएट करिए। जैसे आप किसी भी चीज़ की आपके पास हॉबी है तो क्यों नहीं खाने के लिए, तो ठीक है खाना मेड भी बनाती हैं, राइट। मगर जो अपना उसमें डिवोशन है, इन्वॉल्वमेंट है, उसका तो कोई लुत्फ है ही नहीं। मैं चाहूँगा कि यू मस्ट टेक आउट सम टाइम एंड डू कुकिंग। आप हमारे दर्शकों को, नमस्ते इंडिया के दर्शकों को, विशेष रूप से मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि खाना पहले ही हमारे यहाँ परंपरा में कच्चा खाना खाने की थी, तो जो कच्चा सलाद खाने की बात हो रही है, इसके साथ ही साथ उसको पका के उसके तत्व को, सत्व को निकाल करके उसको एक सूप का दर्जा दिया गया, और वो सूप के रूप में आज सामने आया है। तो इन दोनों का प्रयोग आम नागरिक, आम घर में रहने वाला व्यक्ति करे, और इसको अपने जीवन के साथ किस तरह से जोड़ ले, उन सबको मिला के आप सम अपने क्या कहें? खाने के साथ साथ सलाद और सूप को एक अपना अंग बनाओ। सूप और सलाद, क्योंकि कोई मुश्किल नहीं है, ना ही ज़्यादा महंगा है, पर फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। आप चाहे खाना किसी टाइम भी खाइए, एक सलाद साथ में या सूप साथ में आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें सब कुछ है जो कि एक शायद डिश में नहीं होगा। नमस्ते इंडिया के दर्शकों की ओर से और अपनी ओर से देवेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नमस्ते इंडिया को अपनी बधाई देना चाहूँगा, हालांकि मैंने ये प्रोग्राम देखा भी है, और आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि नमस्ते इंडिया के लिए आज मैं कुछ बोल रहा हूँ। उसके ज़रिए मैं अपने दर्शकों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और कहूँगा हैप्पी कुकिंग।